मंत्री कमल पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जियां और दूध की व्यवस्था की, और जब देश संकट में था तो किसान ने संभाला, और एक ही क्षेत्र कृषि क्षेत्र जिसकी ग्रोथ प्लस में है, बाकी सब माइनस में। और आज जब गांव, गरीब और किसान संकट में है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार, कमल के फूल की सरकार, जो किसानों की, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, उनके साथ खड़ी है। क्योंकि जो अभी किसानों की फसलें खराब हुई हैं, बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, मर गई हैं, गरीब बेघर हो गए हैं, और इसलिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और मैं खुद कृषि मंत्री होने के नाते लगातार 12 दिन से दौरे पर था। आज ही कल शाम को वापस भोपाल आया हूँ, एक एक गांव गया हूँ, किसानों से मिला हूँ, खेतों में गया हूँ। किसान खेत में नहीं पहुँचा उसके पहले कृषि मंत्री उनके खेतों में पहुँचा है, मुख्यमंत्री उनके खेतों में, घरों में पहुँचे हैं। 13,000 लोगों को हमने, जो बाढ़ में पूरी तरह घिर गए थे टापू में, घरों में, छतों पर, पेड़ों पर बैठे थे, उनको सेना के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, नाव के माध्यम से, लोगों के जन सहयोग से, लोगों जो युवक हैं, समाजसेवी हैं, तैराकी हैं, और हमारे प्रशासन ने उनको जीवित बचाया। एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी, एक की भी मौत या बहने से नहीं हुई, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रशासन को बधाई देता हूँ, और हमारे मीडिया और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता नवयुवक जिन्होंने जनता की जान जोखिम में डाल के सेवा की और लोगों को जीवित बचाया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक तरफ किसान और गरीब संकट में है, तो ऐसे समय हमने फसल बीमा की तारीख बढ़वाई। होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा और देवास में अतिवृष्टि और अति बाढ़ थी, पूरी फसलें चौपट हो गई, 10-10, 12-12, 14-14 फुट घरों में पानी और खेतों में पानी भरा रहा, इसलिए फसलें सड़ गईं, और इसलिए तारीख बीमा की बढ़ाई है। ये देश के इतिहास में पहली बार है जिंदे व्यक्ति का बीमा होता है। अगर हम बीमा कराते हैं तो पहले फिटनेस देखते हैं डॉक्टर की, अगर फिटनेस है तो ही बीमा होता है, बीमार है तो नहीं होता है। संपत्ति का बीमा कराते हैं तो ठीक संपत्ति का होता है, गाड़ी घोड़ों का कराते हैं, फिटनेस देखते हैं। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार है कि मरी हुई फसल का बीमा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार करा रही है किसानों की, और उसको क्षति की पूर्ति हम कराएंगे। तारीख बढ़ा, रविवार के दिन भी हमने बैंक के खोली है, पिछला रविवार को भी पूरे प्रदेश में सारे नेशनलाइज बैंक को खोला रखा, ताकि किसान अपना फसल का बीमा करा सके। जो वंचित रह गए थे, जो डिफाल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, जो छोटे किसान है, और आज रविवार है, आज के दिन भी हमने बैंक खुली रखी, कल आखिरी तारीख है 7 तारीख, क्योंकि अगर आखिरी तारीख में किसान गया और कोई कागज की कमी रह गई तो उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता, इसलिए आज बैंक खुली रखी, ताकि कोई कमी है या कोई नहीं करा पाए तो कल आखिरी तारीख में उसकी पूर्ति करके कर सके। और इस प्रकार हमारी इच्छा है कि 100% किसान अपनी फसल का बीमा करा ले, ताकि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हम बीमा कंपनी से करा सकें। क्योंकि हमारा मानना है कि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, बल्कि वो समाज और देश के लिए खेती करता है। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया, जिस प्रकार उसकी क्षति हुई, घाटा हुआ, अगली फसल नहीं बो पाएगा, तो 130 करोड़ देशवासियों को दोनों टाइम का भोजन कहाँ से मिलेगा, सब्जियां कहाँ से मिलेगी, दूध कहाँ से मिलेगा, जीवित कैसे रहेंगे। और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है, किसान की हानि राष्ट्र की हानि है। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो राष्ट्र जिंदा कैसा रहेगा, 130 करोड़ लोग कैसे रहेंगे। और इसलिए राष्ट्र के खातिर, लोगों के जीवन के खातिर हम किसान को संबल दे रहे हैं, और ये देश की पहली सरकार है मध्य प्रदेश की जिसने ये काम किया है। इसके पहले भी सरकार थी 4 महीने पहले, कमलनाथ जी, वो घड़ियालियों आंसू बहाते हैं, किसानों को कहा था कर्जा माफ करेंगे लेकिन नहीं किया। ऑर्डर करने के बाद कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़, 2 लाख का माफ किया जाता है, प्रमाण पत्र दे दिए लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे थे, धोखाधड़ी और 400 PC की। 18 का बीमा नहीं दिया, वो भी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद हमने 2200 करोड़ डाले, 3100 करोड़ दिए। 19 का बीमा भी नहीं दिया, बीमा नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी उनके साथ धोखाधड़ी की। जो इसके अलावा फाइनेंस होता है, जो किसान की फसल सोयाबीन हो, उड़द हो, मक्का हो, जो 1 हेक्टेयर पे किसान को कर KCC लेते, ऋण लेते, कहीं 35,000 कहीं 40,000, उसका बीमा उतना होना चाहिए 100%। बीजेपी की सरकार ने हमेशा, हमने 100% किया, लेकिन कमलनाथ जी ने 75% कर दिया उसको, इसके अलावा फाइनेंस का। इसलिए किया कि प्रदेश सरकार को प्रीमियम कम देना पड़े, और प्रीमियम कम देने के चक्कर में किसानों का जो बीमा अभी हम
शिवराज सिंह जी के हाथ से बटन दबा के पूरे 20 लाख किसानों के खातों में डाल रहे हैं 16 तारीख को। हमने प्रदेश का हिस्सा जमा कर दिया है, केंद्र भी जमा कर देगी, पैसा आ जाएगा किसानों के खाते में। वो 4,688 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों को मिलेगा, लेकिन वो मिलना था करीब 6200 करोड़, 6200 के आसपास, लेकिन वो मिल रहा है 4,688 करोड़, यानी 1,563 करोड़ जो किसानों को हक था उनका। अगर इसके अलावा फाइनल जो शिवराज जी सरकार, भाजपा सरकार ने किया था, उसको चेंज नहीं करते कमलनाथ जी, तो ये पैसा किसानों के खातों में अभी और हम देते हैं। तो 1,563 करोड़ की धोखाधड़ी भी कांग्रेस की सरकार ने की। अब बताइए कांग्रेस कैसे कह सकती कि वो किसानों की सरकार है या किसानों के? ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एक तो धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया, दूसरा बीमा नहीं दिया 18 का, वो भी हमने दिया, 19 का नहीं दिया, वो भी हमने दिया, और 19 का भी हम 4,688 करोड़ दे रहे हैं, वो देना था हमको 6,162 करोड़ के आसपास। तो 1,563 करोड़ का घाटा भी किसानों को किया। फिर खरीदी करने के अंदर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों का चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन खरीद रहे मध्य प्रदेश में 15 कुंटल और अकेले छिंदवाड़ा में 19 कुंटल। वो तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, फिर 6 मंत्रियों, 22 विधायकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कृषि मंत्री बना दिया, और इसलिए हमने 15 से 20 किया और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर से सरसों 20 कुंटल की, उससे 1,000 करोड़ का हमने उनको और फायदा दिया, नहीं तो उनके साथ फिर धोखा। सिर्फ 19 कुंटल छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश, इसलिए कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। शिवराज सिंह जी मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए जो उपचुनाव है 27 जगह उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पाएगी, कमलनाथ जी किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बताएं कि आपने 75% क्यों किया, जवाब दो कमलनाथ। आपने किसानों का 18 का बीमा क्यों नहीं दिया 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जवाब दो। 19 का क्यों नहीं दिया, जवाब दो। कर्जा माफ करने का आपने ऑर्डर कर दिया, दस्तखत कर दिए, प्रमुख सचिव से ऑर्डर निकला, प्रमाण पत्र दे दिया, उनका क्यों नहीं किया, जवाब दो। जवाब देना होगा, और नहीं तो संन्यास लो, घर जाओ, राजनीति करने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पूरी खत्म। एक बार आप धोखा देकर जीत सकते हो, अब जीवन में कभी नहीं। और भाजपा जो कहती है वो करती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों, जो 5 जिले की जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कल 7 तारीख आखिरी तारीख है बीमा कराने की, अभी भी अपनी फसलें खराब हुई उनका बीमा करा लो, ताकि आपको हम क्षतिपूर्ति कर सकें। और हमने फाइनेंस, इसके अलावा फाइनेंस का 100% कर दिया वापस। मेरे पास भी आया था प्रस्ताव वित्त विभाग का कि मध्य प्रदेश की सरकार की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, इसलिए इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया जाए, मैंने मना किया। प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा नहीं किया, वित्त सचिव ने कहा नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप भी किसान के बेटे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे लिए पहले किसान, क्योंकि किसान अपने, फिर कर रहा हूँ मैं, किसान अपने लिए खेती नहीं करता, समाज और देश के लिए करता है। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया, जो घाटे का सौदा हो रही है, तो कहाँ से अनाज मिलेगा, कहाँ से देश खड़ा रहेगा? क्या गिट्टी खाएंगे, क्या सोना खाएंगे, क्या चांदी खाएंगे, हीरा जवाहरात खाएंगे? अरे खाने के लिए अनाज चाहिए, पीने के लिए दूध चाहिए, सब्जियां चाहिए खाने के लिए, उससे आदमी जिंदा रहता है, दाल चावल गेहूं, और वो अनाज पैदा करता है सिर्फ और सिर्फ किसान। और इसलिए किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, हम जिंदा रहेंगे, और इस किसान को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य और दायित्व, हम वो निभा रहे हैं। और कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने किसान को मारा है, किसान के साथ धोखाधड़ी की है, किसान को बर्बाद किया है, और इसलिए किसानों के साथ बर्बाद करने वाले, धोखाधड़ी देने वाले अब जनता के बीच में जा नहीं सकेंगे और टिकेंगे नहीं, और इसलिए किसान इनको सबक सिखाएगा। मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं बता रहा हूं, किसान की खेती घाटे का धंधा है, मैं भी किसान, और इसलिए सरकार का दायित्व होना चाहिए कि किसान को संबल दे, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई, और उसको उचित मूल्य मिले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना करने का जो संकल्प लिया है, हमने मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत बनेगा हमारे नियमों के कारण। अब किसान, मैं बता रहा हूँ, किसान की जब फसल आती है तब मंडी में एकदम बाढ़ आ जाती है, व्यापारी होते कम, माल होता ज़्यादा, मांग होती है कम, पूर्ति होती ज़्यादा, तो भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए कि जैसे किसान का माल व्यापारी के गोडाउन में आया,
वेयर हाउस में रखाया, वो स्टॉक करते हैं, वही 2 रुपए का प्याज 40 रुपए में बाजार में बिकता है, वही 4 रुपए के टमाटर 40 रुपए 50 रुपए में बिकते हैं। तो बिचौलिया कमाते हैं, अभी तक बिचौलिया कमाते रहे, लेकिन अब बिचौलियों को हम अलग कर रहे हैं और किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, वो वेयर हाउस डालेगा, वे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उसके लिए उसको बिना ब्याज के 1% ब्याज पर हम ऋण दे रहे हैं। किसानों के समूह बनाकर खेती करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती करा रहे हैं, ताकि खेती लाभ का धंधा बने और जो बिचौलिया कमाते थे वो किसान कमाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और किसान पे अगर कोई संकट आता, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अतिवृष्टि या कीट का प्रकोप होता है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा मान के RBC 6-4 में भी राहत दे रहे हैं और बीमा भी दिला रहे हैं। ये देश में पहली बार किया कमलनाथ जी ने कि RBC 6-4 में राहत नियम है कि ट्रेजरी में कलेक्टर देगा, तत्काल राहत मिलेगी, उसमें भी 25% दिया। 1 रुपये की क्षति हुई, मतलब क्षति तो उसकी लाखों की हुई, पर उसको अगर 1 रुपया RBC में मिलना था तो 25 पैसे दिए। आज तक देश की किसी भी सरकार ने RBC में कटौती नहीं की, दिए तो पूरी दिए, हमने 5,500 करोड़ बांटे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने 25% दिया था और दिया ही नहीं, पिछली बार का भी नहीं दिया। और इसलिए ये धोखेबाज सरकार रही है, धोखेबाज कांग्रेस रही है, इसलिए अब किसान एक बार धोखे में आ गया, गरीब अब जीवन में कभी नहीं आएगा, इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। और भारतीय जनता पार्टी किसानों को, गरीबों को उबार रही, हम गरीबों के मकान बना के दे रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि हर बार बाढ़ आती है, अभी मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जहां बाढ़ में लोग उनका व्यवस्थापन करो, और वन भूमि में तो नियमों में संशोधन करके शिथिल करते हुए उनको हम पट्टे दे रहे हैं और उनके नए मकान बना के देंगे। उनको तत्काल हमने अनाज, उनके लिए आटा, सामान वगैरह जन सहयोग से मैंने कराया, एक एक व्यक्ति को भूखे नहीं रहने दिया। और लगातार 12 दिन से रुपए से रात तक, में देखा होगा आपने मेरे वीडियोस वगैरह या जो आए हैं, किसान नहीं पहुंचा उसके पहले हम पहुंचे, हम रिस्क लेके थे। वो मुख्यमंत्री इतनी बाढ़ के अंदर भी, नाव के अंदर खतरनाक, अपनी जान जोखिम में डाल के भी किए, कमलनाथ जी कभी मल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। और इसलिए इनको पता ही नहीं है कि खेत में गरीब की क्या तकलीफ होती है। शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल ट्रैक्टर चला के गए, पैदल गए, तैर के गए, लेकिन हमने गरीबों की सेवा की और आगे कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को, और हमने अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा, सुनिए, अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। हमने पटवारी और कलेक्टर को, सबको निर्देशित किया है कि गांव में जाओ, वीडियोग्राफी करके सर्वे करो, और जो किसान का है, गरीब का नुकसान हुआ, उसके दस्तखत कराओ, पंचनामा बनाओ और पंचायत में टांगो एक एक के नाम, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, अगर एक का नुकसान हुआ तो एक को, 100 को, 1,000 का हुआ 1,000 को, 1,00,000 का हुआ तो 1,00,000 को देंगे, लेकिन एक भी गरीब आदमी जिसको नुकसान हुआ छूटेगा नहीं। करोड़ों का नुकसान हुआ और इसलिए हमने उनकी। तो इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, कृषि मंत्री कमल पटेल मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, साथ ही उन्होंने अपने तमाम वो काम गिनाए सरकार के जो इस वक्त किसानों के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस वक्त किसानों के साथ खड़ी है, मंत्रियों को सख्त हिदायत है, निर्देश है कि एक एक खेत में पहुंचा जाए, सर्वे किया जाए। CM शिवराज खुद किसानों के पास पहुंचे, सरकार ने फसल बीमा की तारीख भी बढ़ा दी है, रविवार के दिन भी बैंक खोले जा रहे हैं ताकि किसान फसल बीमा का फायदा उठा सकें। वहीं कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को ठगा है।